हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अ न्यू हॉल वीडियो। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू ऑल माय क्लोथ्स व्हिच आई बॉट फ्रॉम सरोजिनी नगर। तो मैंने अभी लास्ट में एक वीडियो डाली थी सरोजिनी नगर की, जिसमें मैंने दिखाया था, मतलब वो ब्लॉग सा था, उसमें मैंने पूरा कोई कलेक्शन नहीं दिखाया। तो आज मैं दिखाऊँगी कि वहाँ से मैं क्या क्या लाई, कौन सी ड्रेसेस लाई। सो माई वॉइस सीम्स टू बी सो हार्ड क्योंकि गला ख़राब हो रहा है। तो मैं दिखाती हूँ। तो द फर्स्ट थिंग इज दिस टी शर्ट। इस टी शर्ट का प्रिंट मुझे इतना अच्छा लगा, इसमें तीन ऐसे डॉग्स बने हुए हैं और लिखा हुआ है बा हम पर। सो ये टी शर्ट ऐसे बहुत अच्छी लगी, स्मॉल साइज में है ये। इसमें बड़े साइजेस भी वहाँ अवेलेबल थे, और वहाँ पे एक दुकान के बाहर ही ये टी शर्ट में लगी हुई थी, वहाँ पे वेंडर्स जो लगाते हैं उनके पास। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इवन मेरी फ्रेंड ने भी ऐसा ही सेम प्रिंट लिया, सेम टी शर्ट लिया। सो दिस लुक सो गुड विद ब्लू जीन्स, ब्लैक जीन्स और जैगिंस टू। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये ली। एंड दिस कॉस्ट फॉर ओनली 100 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। सो नेक्स्ट थिंग दिस टॉप। इसमें ये इलास्टिक मटेरियल है, यहाँ से बीच से चेस्ट से, और यहाँ पे ऊपर एक ऐसे थ्रेड लगा हुआ है जिससे ये बहुत ही अच्छा वो आ रहा है, शो आ रही है ये देखो। तो ये ऐसा कुछ है, और इसकी स्लीव्स में यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बना है, पर इसमें यहाँ से धागे निकल रहे हैं, बट ऑल ओवर इट इज़ वेरी नाइस। और दिस इज़ फॉर 200 रुपीज़। द नेक्स्ट थिंग इज दिस जीन्स, जिसमें की जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं एक और जीन्स क्यों नहीं आई वहाँ से। और इसका साइज़ है 28, जो कि मेरी वेस्ट का भी साइज़ है। और इसमें पीछे जो पॉकेट्स हैं उनमें थोड़ा सा ऐसे रफ डिज़ाइन दे रखा है ये, एंड ये बहुत ही अच्छी है। और नीचे से जो यहाँ पे है पूरे पैर के नीचे से, इसमें यहाँ पे ऐसे रफ डिज़ाइन है जिससे कि इसकी बहुत ही अच्छी शो आ रही है। और ऑल ओवर इट इज़ सो 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 गुड। एंड अबाउट इट प्राइस, इट इज़ फॉर 200 ओनली, जो कि अनबिलीवेबल प्राइस है। और ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है, और पैरों में से फंस नहीं रही थी, मुझे ऐसा लगा था कि ये पतले होंगे, लेकिन ये बहुत ही इलास्टिक लगा हुआ है इसमें, और ये बहुत ही अच्छी कम्फर्टेबल जीन्स। नेक्स्ट थिंग इज दीज स्क्रंचीज। ये वाइट वाला तो इतना अच्छा था, इवन मैंने कल इसको पहना भी था, ये बहुत ही अच्छा है। ये देखो इन दिस वन इन ब्राउन शेड, मेरे पे तो ये 50 के 3 दे रहे थे, मतलब कि एक वेंडर था उसमें 50 के 3 दे रहे थे, लेकिन हमने बोला कि 50 के 4 दे दो, तो वो आसानी से मान चुके थे। सो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे स्क्रंचीज। इवन मैंने दो और लिए थे, तो उसमें से एक मेरी फ्रेंड ने ले लिया और एक मेरी बहन की फ्रेंड ने ले लिया। सो नो वरी, मैं थोड़े वाइट पे स्टिल, तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। लुक एट दिस, ओके। और दिस लोअर इज फॉर ओनली 100, एंड दिस इज सो कम्फर्टेबल। इसमें प्रिंट जो है कैट और फिश का है, कैट फूड, कैट फिश, और ये कैट का, एंड दिस इज सो गुड। आफ्टर जीन्स आई विल रेट 5 out of 5 टू दिस लोअर। घर में पहनने के लिए ऑल्सो इट हैव पॉकेट्स एंड दिस इज सो कम्फर्टेबल। ऑल्सो आई लाइक द प्रिंट, सो आई बॉट इट, एंड दिस इज फॉर ओनली 100। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सो फ्लोरल एंड सो ब्यूटिफुल, दिस ड्रेस। ये मैंने एक शॉप से ली थी जिसकी वीडियो बनाने के लिए मेरे को मना कर दिया था। इवन मैंने वीडियो में भी बोला था कि उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था। तो ये ड्रेस विच आई लाइक सो मच, इसमें अंदर पेस्टल कलर ब्लू कलर का कपड़ा लगा हुआ है, और पीछे से इसमें ऐसे जिप है ऐसे, और इसको हम ऊपर लगाएंगे, और नीचे तक है इसका थोड़ा सा नेक, और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन, पेपलम डिज़ाइन कहते हैं इसको शायद,
से हाँ, और ये बहुत ही अच्छी ड्रेस है, इसका गला ऐसे गोल है ये, एंड नीचे से ये पूरी नी तक इसकी लेंथ है, नी से थोड़ा सा ऊपर, और वेस्ट से इसमें यहाँ पे इलास्टिक है जो कि वेस्ट में एकदम ऐसे आएगा। अगर आपकी 28 वेस्ट है तो यू शुड, अगर आप जाते हैं और ऐसी ड्रेस मिलती है तो ज़रूर लीजिए। अंदर मैंने ये दुकान से ली थी एंड दिस कॉस्ट फॉर ओनली 200। द लास्ट थिंग इज दिस स्लीपर्स जो कि बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही अच्छे, इसमें सनफ्लावर का डिज़ाइन बना हुआ है और ये इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं सुन जी, बहुत ही क्यूट सनफ्लावर, इवन मेरा सनफ्लावर फेवरेट फ्लावर है, तो जब भी मैंने ये देखे तभी मेरे को पसंद आ गए थे। इसमें बहुत सारे साइजेस अवेलेबल थे, 5-3, लेकिन इसमें 36, 38, 32 ऐसे में अवेलेबल थे, एंड वहाँ पे मैंने 200 से अंडर की रेंज में ही सब कुछ लिया। इवन आई ऑल्सो बॉट अ आई लाइनर जो कि बहुत ही चीप क्वालिटी के होते हैं, वो 150 के कहते हैं, लेकिन उन्होंने 150 से मुझे 30 रुपीज़ में मेरे को आई लाइनर दे दिया जो कि अनबिलीवेबल है, 150 से 30 में आ गए। तो सरोजनी में बार्गेन करना इज मस्ट थिंग है, सरोजनी में बार्गेन करना, तो जब भी सरोजनी जाएँ तो बार्गेन करें और अपने साथ एक बड़ा सा बैग ले जाएँ जिसमें आप अपना सामान कैरी कर सकें, क्योंकि वो पॉलीथीन में देते हैं और कुछ तो ऐसे ही दे देते हैं, तो हमें वो पॉलीथीन से हम कितना ले लेंगे, और पॉलीथीन नीचे से फट भी जाती हैं। अपना मास्क, अपना सैनिटाइजर सब कुछ ले जाएँ, वहाँ पर पुलिस घूमगी, जैसे ही मास्क नीचे हो जा रहा है वो चलान काट दे रहे हैं, तो प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है और बार्गेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जैसे कि मैंने वीडियो में देखा कि भीड़ नहीं हो रही, भीड़ बहुत ज़्यादा होने लग गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ऐसे हॉल्स या ऑनलाइन शॉपिंग के हॉल चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।